वेलकम टू टेली न्यूज़ 24। सीरियल ससुराल सिमर कच्चू का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आरव की वजह से आखिरकार हो ही गई सिमर और उसके परिवार की जीत। वहीं यहाँ पर गीतांजलि देवी को मिली है करारी हार। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे आरव कोर्ट में ये बोल देता है कि उसके साथ कोई भी धोखा नहीं हुआ है, उसकी शादी में कोई भी धोखा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा के पूरा केस पलट जाता है। यहाँ पर पूरा के पूरा केस गीतांजलि देवी के खिलाफ हो जाता है और गीतांजलि देवी की हार होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिमर के पापा बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और ये सब देख कर सिमर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसके लिए यहाँ पर सिमर आरव के पैर छूती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। और सिमर को ये सब करते हुए देख आरव को अच्छा नहीं लगता है। आरव सिमर से बोल देता है कि उसे उसके पैर छूने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब उसका फर्ज था। और यहाँ पर आरव की इन बातों को सुनकर सिमर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसी के बाद जब यहाँ पर सिमर गीतांजलि देवी के पास चाय लेकर पहुँचती है, तो यहाँ पर गीतांजलि देवी का गुस्सा सिमर पर फूटता है। वो सभी घर वालों को अपना फैसला सुनाती है और सभी से बोल देती है कि वक्त आ गया है घर के बेकार सामान को बाहर फेंकने का। यानी कि यहाँ पर गीतांजलि देवी सिमर की बात करती है और यहाँ पर गीतांजलि देवी की इन बातों को सुनकर आरव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब ऐसे में यहाँ पर देखना दिलचस्प होने वाला है, क्या यहाँ पर गीतांजलि देवी सिमर को घर से और आरव की जिंदगी से बाहर निकाल देंगी, या फिर आरव रोकेगा सिमर को। देखना दिलचस्प होगा। सीरियल ससुराल सिमर का 2 से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।